और इलियाना डिक्रूज की फिल्म रेड बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। क्रिटिक्स से लेकर आम जनता तक हर कोई इस फिल्म को पसंद कर रहा है। फिल्म में अजय देवगन ने इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाया है। फिल्म के रिलीज के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही बात चलती है और वो ये है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि अजय ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की रेट मारी है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन लगभग 10 करोड़ की कमाई की है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 35 करोड़ है। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3,769 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। फिल्म के पहले दिन के आंकड़े अच्छे हैं, ऐसे में फिल्म आने वाले दिनों में भी ताबड़तोड़ कमाई कर सकती है। बता दें कि फिल्म में अजय के अलावा सौरभ शुक्ला भी मेन लीड में नजर आ रहे हैं। सभी ने फिल्म में शानदार काम किया है। इलियाना भी अजय की वाइफ के किरदार में एकदम परफेक्ट नजर आई हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि अजय की रेड अपने वीकेंड पर कितना कलेक्शन बटोर पाती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।